jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। करनाल के घरौंदा टोल टैक्स पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक मर्सिडीज कार ने होंडा सिटी कार को टक्कर मार दी। इससे कार के अंदर फिर सीएनजी सिलेंडर प्रेशर में वाल से अलग होकर गाड़ी के पिछले हिस्से को फाड़ते हुए कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। हादसे में होंडा सिटी कार सवार पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई, दो अन्य घायल हैं। मृतकों की बॉडी बुरी तरह क्षत विक्षत हो गई। घायलों को करनाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मर्सिडीज कार सवार सुरक्षित हैं। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। घटना सुबह 7:10 बजे की है। दिल्ली से होंडा सिटी कार में सवार होकर एक फैमिली पोंटा साहिब जा रही थी। कार में गुरदीप 55, पत्नी गुरमीत कौर 54, बेटी जसप्रीत कौर 30, दामाद कुलविंदर 32, बेटा अमनदीप 26 सवार थे। घरौंडा टोल प्लाजा से पहले होंडा सिटी कार ने दिल्ली की तरफ यू टर्न लेने की कोशिश की। उनकी दो अन्य गाड़ियां पीछे रह गई थी। इसी दौरान चंडीगढ़ की तरफ से आ रही एक मर्सिडीज कार ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर होंडा सिटी के पिछले हिस्से पर लगी। इस वजह से गाड़ी के अंदर फिट सीएनजी सिलेंडर प्रेशर में वाल से अलग होकर गाड़ी के पिछले हिस्से को फाड़ते हुए कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। इस हादसे में गुरदीप, पत्नी गुरमीत कौर व बेटी जसप्रीत की मौके पर मौत हो गई। तीनों की बॉडी बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गई। कुलविंदर और अमनदीप घायल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस जांच अधिकारी गुरदीप ने बताया कि उन्होंने दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक दिल्ली के रहने वाले हैं, जो पोंटा साहिब एक भोग में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने टोल से पहले जैसे ही यू टर्न लिया, तभी हादसा हो गया। पुलिस जाँच कर रही है।